थैंक यू गीता आंकुल नरक खुलुम मास कांगिया फारो खुलुखा जतन मंच में पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल मिनिस्टर चेयरमैन साहब ईएम्स एमएलएस एमडीसीस टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल एडवाइजरी चेयरमैन मेंबर्स माय एमएलएस ब्लॉक प्रेसिडेंट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बुरुई बदल सबको सबसे पहले मैं नाम नहीं लूंगा लंबा क्योंकि आई हैव टू गो एंड मीट द चीफ मिनिस्टर आफ्टर दिस मेरा एक मीटिंग है मुख्यमंत्री से इसके बाद मुझे दिल्ली जाना है मैं आपको सबसे पहले अपने बुरुई बदल को आज फाउंडेशन डे में हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं और मैं आप सबको आप लोग ने हमेशा बुबागरा के लिए आईक्लोथन बोला है हमारे लीडर्स के लिए बोला है लेकिन आज मैं मन से सबको बोलना चाहता हूं आप लोग सब सीनियर्स है हमारा बुरुई बदल के लिए भी आप लोग थोड़ा सा ताली मार दीजिए देखिए मैं बहुत क्लियर हूं हमने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को हमने निगोशिएट करके अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को रख के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है अग्रीमेंट साइन करना एक चीज है अग्रीमेंट को ग्राउंड में लाकर अपना गरीब तिपरासा को अधिकार देना उसके लिए फाइट और भी इंपॉर्टेंट है पहले भी बहुत अग्रीमेंट्स हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर हुआ 1949 में कंचन प्रभा देवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लेकिन तिपरासा अपना ही जमीन में उसके बाद माइनॉरिटी बन गया जो सुरक्षा मिलने का बात था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा देने के लिए बात किया था वो सुरक्षा हमारे तिपरासा को नहीं मिला इसी के लिए जहां में हम लोग मेजॉरिटी में थे आज हम लोग उसी राज्य में माइनॉरिटी में उसके बाद विजय कुमार रांखौल टीएनवी अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के साथ 1988 में उसमें भी कहा गया कि बाउंड्री से अब इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे लेकिन हम लोग आज भी जानते हैं कि इलीगली बांग्लादेश से लोग आज भी हमारे जमीन में आ रहे हैं वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया उसके बाद एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया एनसी दे बर्मा आईपीएफटी 2018 में आज जब हमने अग्रीमेंट साइन किया है तो हमको भी सोच के रखना है कि जो गलती पहले हुआ वो आज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अग्रीमेंट महाराजा ने अपने लिए नहीं किया है अपने लोगों के लिए किया है और हमको जवाब देना है पब्लिक को बहुत लोग ने पिछले 3 महीने से स्पेशली सीपीएम से सवाल उठाया सीए क्या होगा का क्या होगा महाराजा चुप क्यों है जब सीए पास हुआ तब त्रिपुरा से कोई सीपीएम का लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया मैंने किया और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो कि आप सीए का अगेंस्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महाराजा सीए के खिलाफ फाइट कर रहा है ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में अगर ये बिल को हराना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हरा सकता इसको अगर हराना है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में केस मैं फाइट कर रहा हूं मेरा स्टांस
और सीपीएम का स्टांस में बहुत फर्क है। बुबाग्रा का कहना है कि जो भी बांग्लादेश से आया है वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, अगर इलीगली वो इंडिया में आया है तो त्रिपुरा में आप इनको रख नहीं सकते, क्योंकि त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है। सीपीएम का स्टांस है, कांग्रेस का स्टांस है कि आपने हिंदू को अलाउ किया है, क्रिश्चियन को अलाउ किया है, बुद्धिस्ट को अलाउ किया है, मुसलमान को भी रखो तब सीए ठीक है। नहीं, हमको और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से त्रिपुरा में बहुत लोग आ चुके हैं, अब हम और लोगों को रखना नहीं चाहते हैं, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, हमने पहले से बहुत लोगों को रखा है। पहले हमें अपने त्रिपुरा के लोगों को नौकरी देना है, आपको बच्चे को शिक्षा देना है। अगर हम लोग बाहर से लोगों को लाते रहेंगे वोट बैंक के लिए, बीजेपी अपना वोट बैंक देख रहा है, सीपीएम अपना वोट बैंक देख रहा है, लेकिन तिपरासा के बारे कोई नहीं सोच रहा है। इसके लिए मैंने कहा कि और नो मोर, और वो पोजीशन हमारा आज भी है। तिपरा मोथा का पोजीशन क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, बहुत लोग ने मुझे फोन किया, मैसेज भेजा, पानी सागर में आप क्या कर रहे हैं, मेरे संग मेरे सामने माय मिनिस्टर, आर मिनिस्टर, ही इज अ मिनिस्टर फ्रॉम तिपरा मोथा, उसने मुझे आज कहा, महाराज जो कानून है, द लॉ ऑफ द लैंड विल बी इंप्लीमेंटेड, वी डू नॉट थिंक अबाउट एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी, एनीवन, जो भी इलीगली फॉरेस्ट लैंड में आकर पानी सागर में बैठा है, कानून अपना काम करेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसको बोलता है लीडरशिप। आपको एक बात क्लियर समझना है, बुरी बदल को आप को राजनीति करना है या अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करना है। आज मेरा मीटिंग हुआ सीएम के साथ, पूर्ण चंद्र जमते के साथ,